हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के लेक्चर में हम मेमोरी एक्सेस मेथड्स देखेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि मेमोरी को एक्सेस करने के क्या क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं और कैसे कैसे वो काम करते हैं। सो जनरली मेमोरी को एक्सेस करने के तीन मेजर तरीके होते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस से स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब सीक्वेंस में एक्सेस करना या सीक्वेंस में मेमोरी को यूज करना। सो अगर आपके पास कोई भी एक मेमोरी है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पर्टिकुलर वर्ड या कंटेंट एक्सेस करना है, सो सीक्वेंशियल एक्सेस अगर आप यूज करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से पहले आने वाली सारी मेमोरी लोकेशंस को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, यानी उनके थ्रू गो थ्रू करने के बाद ही आपको आप उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंच सकते हैं जिस पे आपका डेटा प्रेजेंट है और तब वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सो बेसिकली आपके किसी भी इंस्ट्रक्शन को या किसी भी लोकेशन को स्किप नहीं कर सकते, आपको सीक्वेंस में ही चलना है। सो अगर सपोज ये मेरी पूरी मेमोरी है जिसमें ये फर्स्ट है लोकेशन, सेकेंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन और मुझे फोर्थ लोकेशन का डेटा एक्सेस करना है। सो अगर मैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड यूज करती हूँ, सो मुझे सीक्वेंस में चलते हुए पहले फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे आना पड़ेगा, फिर वहां से नेक्स्ट लोकेशन पे, फिर वहां से नेक्स्ट पे और फिर जब मेरे पास फोर्थ लोकेशन आ जाएगी या फिर मैं फोर्थ लोकेशन तक पहुंच जाऊंगी तब मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन का डेटा डायरेक्टली पिक कर सकती हूँ या रीड कर सकती हूँ या चेंज कर सकती हूँ जो भी मुझे वहां पे परफॉर्म करना है ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन आपको आना सीक्वेंशियली पड़ेगा, मूव सीक्वेंशियली करना पड़ेगा विद इन द मेमोरी। तो अगर आपको लास्ट लोकेशन एक्सेस करनी है मेमोरी की, उसके लिए आपको बिगनिंग से होते हुए मतलब फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट करते हुए सारी लोकेशन ट्रेवर्स करनी है और लास्ट लोकेशन पे फिर आप पहुंचोगे। सो यू हैव टू क्रॉस देम वन बाय वन। ये मेथड बहुत सिंपल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर आप अगर कोड लिखें इसे एक्सेस करने का या कोड लिखें इसे इम्प्लीमेंट करने का इस मेथड को, तो उसमें आपको बस एक वेरिएबल लेना है जिसमें लोकेशन का एड्रेस होगा, स्टार्टिंग एड्रेस डालना है और इंक्रीमेंट करते जाना है वो एड्रेस और मैच करते जानी है वो वैल्यू, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको ये कोड समझाया है। डेफिनेटली ऐसे नहीं लिखा जाता इन द कंप्यूटर सिस्टम, बट इसे इम्प्लीमेंट करना इजी है, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, अगर आपको लास्ट मेमोरी एक्सेस, लास्ट लोकेशन एक्सेस करनी है विद इन द मेमोरी, तो आपको बिना वजह सारी इससे पहले प्रेजेंट सारी लोकेशन के थ्रू आना पड़ेगा, विच इज नॉट रियली रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड, एक्सेस मेथड जो आता है उसे हम रैंडम एक्सेस मेथड कहते हैं, और रैंडम एक्सेस मेथड कंप्लीटली डिफरेंट होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड से। सो रैंडम एक्सेस में अगर हमें कोई भी मेमोरी लोकेशन एक्सेस करनी है या किसी भी मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट डेटा रीड करना है या मैनिपुलेट करना है, तो हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप कर जाते हैं। यानी रैंडम एक्सेस एल्गोरिथम इस तरीके से लिखा होता है कि मेमोरी में प्रेजेंट हर लोकेशन को एक्सेस करने का टाइम सेम हो। सी सीक्वेंशियल एक्सेस में हर मेमोरी को एक्सेस, हर लोकेशन को एक्सेस करने का टाइम सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टूवर्ड्स द एंड पहुंचना चाहते हैं मेमोरी में, तो जब सीक्वेंशियली मूव करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू सर्चिंग एट द बिगनिंग, ठीक है। लेकिन रैंडम एक्सेस में चाहे आप लास्ट मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर रहे हो मेमोरी की या फिर आप फर्स्ट को एक्सेस कर रहे हो, दोनों में ही इक्वल टाइम लगता है, ठीक है। सो ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है जिसमें आप क्विक रिट्रीवल कर सकते हो जिस भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से आपको डेटा रिट्रीव करना है, रीड करना है, राइट। ऑलराइट, सो आई हैव रिटन डाउन द पॉइंट्स दैट आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू। रैंडम एक्सेस
मेथड का बेस्ट एग्जांपल है रैम मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक टाइप ऑफ मेन मेमोरी है, जिसमें जो कि वॉलेटाइल स्टोरेज होती है, लेकिन डेफिनेटली हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं लोकेशन को. रैंडमली एक्सेस करना मतलब कोई भी लोकेशन कभी भी एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम डिफरेंस. ठीक है, सो इट इज अ फास्टर वे टू रिट्रीव डेटा. और सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड का एग्जाम्पल हो सकता है मैग्नेटिक टेप्स. जनरली सिक्वेंशियल एक्सेस सिर्फ मैग्नेटिक टेप्स तक रिस्ट्रिक्टेड रहा. मैग्नेटिक टेप्स ही एक डिवाइस है जो जनरली इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है ऑफ एक्सेसिंग द मेमोरी सिक्वेंशियली. अदरवाइज रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस मेथड, जो कि अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो यूज होता है. सो थर्ड मेथड इज डायरेक्ट एक्सेस मेथड. डायरेक्ट एक्सेस मेथड बहुत सिमिलर है रैंडम एक्सेस मेथड से, इसीलिए इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रैंडम एक्सेस पढ़ने के बाद डायरेक्ट एक्सेस पढ़ना एक कंफ्यूजन कई बार क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स के बीच. ठीक है, सो डायरेक्ट एक्सेस मेथड में भी कोई भी लोकेशन को हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, बट सब लोकेशंस को एक्सेस करने का टाइम या डिले सेम नहीं होता. ठीक है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन से एक्स एक्सेस करनी है डायरेक्ट एक्सेस में, तो उसको एक्सेस करने का टाइम डिफरेंट हो सकता है एज कंपेयर्ड टू एक्सेसिंग अनदर लोकेशन से वाई. ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों आता है? ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस में हम जनरली अपनी मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, और हर ब्लॉक को रेफर करने का टाइम ऑलमोस्ट सेम होता है. ठीक है, सो अगर सपोज मैंने एक बेसिक सी मेमोरी ली है जिसमें मैंने अपने मेमोरी को तीन ब्लॉक्स में डिवाइड करा है, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू एंड ब्लॉक थ्री. ठीक है, हर ब्लॉक में सपोज मेमोरी लोकेशंस हैं, इनसाइड ईच ब्लॉक देर आर मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस लाइक दिस, बट ईच ब्लॉक इज एक्सेस्ड डायरेक्टली. ओके, सो आई विल जस्ट मेक दिस डायग्राम एंड देन एक्सप्लेन. ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, और ये एक ब्लॉक. ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आ रहा है. अगर ये कंप्लीट एक मेमोरी है, तो पहले ब्लॉक को मैं एक्सेस कर सकती हूँ, दूसरे ब्लॉक को मैं एक्सेस कर सकती हूँ, और थर्ड ब्लॉक को मैं एक्सेस कर सकती हूँ. हर ब्लॉक को एक्सेस करने का टाइम ऑलमोस्ट सेम है, और मैं इन ब्लॉक्स को रैंडमली एक्सेस कर सकती हूँ. रैंडमली मतलब डिफरेंट ब्लॉक्स को एक्सेस करने में ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं होगा, बट विदिन अ ब्लॉक किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के लिए मुझे डिफरेंट टाइम लग सकता है. सी, अगर मैंने ब्लॉक वन को एक्सेस किया और उसकी फर्स्ट लोकेशन को एक्सेस किया, तो मुझे कम टाइम लगेगा. कंपैरेटिवली अगर मैंने ब्लॉक थ्री को एक्सेस किया और उसकी किसी मिडल लोकेशन को यूज करा या उसकी लास्ट लोकेशन को एक्सेस किया. एक्चुअली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लॉक्स को तो मैं रैंडमली इक्वल टाइम पीरियड में एक्सेस कर सकती हूँ, बट विद इन अ ब्लॉक कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन सिक्वेंशियली ही एक्सेस की जाती है. ठीक है, कुछ बुक्स इसे ब्लॉक्स के टर्म में ना समझाते हुए ट्रैक्स के टर्म्स में समझाती हैं. जनरली डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में पाया जाता है या इम्प्लीमेंटेड होता है, जिसमें मेमोरी इज arranged in the form of cylinders. ठीक है, cylinders होते हैं, हर cylinder में tracks defined होते हैं, और हर track में sectors होते हैं. So आप ऐसे समझ सकते हैं कि block की correspondence है tracks के साथ, different tracks को access करने के mechanisms होते हैं, तभी almost same time लगता है different tracks को access करने में. But within a track travel करने में different time में भी लग सकता है डिफरेंट लोकेशंस को. ठीक है, सो ओवरऑल डायरेक्ट एक्सेस मेथड में आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि रैंडमली हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हर लोकेशन को एक्सेस करने का टाइम सेम नहीं होगा हमेशा. ओके,
It is not sequential access, it is not random access, you can say it is a combination of two. और ये magnetic discs और optical discs में आजकल use होता है. Okay, so I have written down the points, important points that you can jot down and use it if asked in your theory exam. So, direct access में blocks को किसी भी order में access किया जा सकता है और फिर within the block हमें एक particular memory location तक sequentially पहुंचना पड़ सकता है. लेकिन random access में किसी भी order में हम memory locations को directly access कर सकते हैं with same time required for all. और sequential access में depend करता है कौन सी location को access करना है, क्योंकि उतना ही distance हमें from the beginning of the memory traverse करना पड़ेगा. So I hope आपको ये तीनों access methods clear हो गए होंगे. Upcoming video में हम cache memory के बारे में पढ़ेंगे, details जानेंगे, कुछ formulas देखेंगे. So stay tuned to the lecture series of computer organization and architecture from Easy Engineering Classes. अगर आपको ये वीडियो के कंटेंट समझ आए हो सो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप कंप्यूटर साइंस के और सब्जेक्ट्स के अपकमिंग वीडियोस को भी देख सके. और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी जल्दी से मिले. कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड लक.